और इसराइल को 10,000 नए सैनिकों की जरूरत है। यह डिमांड वहां के रक्षा मंत्री ने रखी है। नेतन्याहू को गाजा से ऐसी बुरी खबर मिली है जिसके बाद इजरायली सेना का पूरा ढांचा हिल गया है। अगले 24 घंटे इसराइल के लिए बहुत अहम रहने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। इस वीडियो ने इजराइल के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। इस वीडियो ने नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा कर दिया है, क्योंकि जो धमाका है उसमें ना सिर्फ इजराइल का टैंक फट रहा है बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। अब हुआ क्या, बहुत गौर से देखिए, क्योंकि इस वीडियो ने इजरायली सेना की झूले हिला दी। दो लोग भागते हुए इजरायल के मरकाबा टैंक की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से उसके दाईं तरफ कुछ फिट करके अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। चंद सेकंड बाद होता है बड़ा धमाका। इस तरह इजरायल के शक्तिशाली टैंक मरकाबा पर हमास करता है बड़ा हमला। हमास के दूसरे वीडियो में एक स्नाइपर अटैक होता है। टारगेट पर मरकाबा टैंक में बैठा इजरायली कमांडर है। स्नाइपर गोली चलाता है और फिर काम तमाम हो जाता है। हमास का दावा है कि उसकी अल कसाम ब्रिगेड ने रफा में एक ही दिन में 4 टैंक फोड़ डाले हैं, जबकि इसराइल ने माना है कि 30 जून और 1 जुलाई के दौरान उसके 44 सैनिक घायल हुए हैं। गाजा से आ रही रिपोर्ट बता रही है कि इसराइल के अब तक 670 सैनिक मारे जा चुके हैं, 664 तो खुद इसराइल मान रहा है। वहीं इसराइल के करीब 4,000 सैनिक घायल हुए हैं। इन आंकड़ों के पीछे इसराइल के मरकाबा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो हमास का आसान टारगेट बन रही हैं। कुल मिलाकर इजरायली बख्तरबंद वाली ब्रिगेड इस वक्त दहशत में है। मरकाबा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियों का गाजा के अंदरूनी इलाकों में टहलना आसान नहीं रहा है। इसराइल को डराने वाली खबरें पश्चिमी देशों से मिल रही हैं। अमेरिका की रिपोर्ट बता रही है कि हमास के आगे इसराइल फेल हो गया है और अगर उसे गाजा में हमास को खत्म करना है तो अगले 3 साल तक उसे इसी तरह बमबारी करनी पड़ेगी। इस बात ने नेतन्याहू को बुरी तरह से फंसा दिया है। लेकिन नेतन्याहू के जनरल ने दावा किया है कि इसराइल की सेना ने हमास की कमर तोड़कर रख दी है। हमास पर आई एक रिपोर्ट ने इसराइल को डरा दिया है। हमास की ताकत कितनी बची है, इस रिपोर्ट ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया है। अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि हमास फिर जिंदा हो चुका है। एक रिपोर्ट छापी है जिसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली जानकारी पर बताया गया है कि 9 महीने के युद्ध में इसराइल अब तक हमास के सिर्फ 30% लड़ाके ही मार पाया है। यानी रिपोर्ट में पहली बड़ी खबर यह है कि 70% हमास अब भी बाकी है। 70% मतलब 2/3 हमास अब भी इसराइल से टक्कर ले रहा है। रिपोर्ट में दूसरी बड़ी खबर यह है कि इसराइल ने गाजा में हमास की सिर्फ 35% सुरंगों को तबाह किया है। यानी गाजा में हमास की 65% सुरंग अब भी एक्टिव है। यानी 2/3 सुरंगों का इसराइल अब भी पता नहीं लगा पाया है। इस खबर से इसराइल में ऐसा पॉलिटिकल तहलका मचा है कि सब बेन्यामिन नेतन्याहू से पूछ रहे हैं कि क्या इसराइल हमास के खिलाफ युद्ध हार रहा है। गाजा में अपनी फौज को नुकसान होता देखकर नेतन्याहू बहुत बेचैन है। यह साफ साफ है कि वो बहुत टेंशन में है, क्योंकि रिपोर्ट के साथ अब हमास के नए नए खतरनाक वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इसराइल के लिए यह मैसेज साफ है कि हमास का चीफ इस्माइल हानिया बहुत एक्टिव है। गाजा में जितने इजरायली टैंक फट रहे हैं
ऐसे हर धमाकों के साथ साबित हो रहा है कि हमास कमजोर नहीं हुआ है, उसकी ताकत इसराइल के लिए और खतरनाक बनती जा रही है। इसराइल की सेना और नेतन्याहू के लिए तो सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड याया सिनवार अब भी जिंदा है, और अब तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरी तरह इसराइल का ब्लॉकेट होने के बावजूद वो गाजा से भाग चुका है। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त ना सिर्फ गाजा में घिर चुके हैं, बल्कि इसराइल की अंदरूनी राजनीति में भी उनके बहुत से दुश्मन पैदा हो चुके हैं।